Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने जनरल बैंकर्स फंडा में। तो चलिए दोस्तों पजल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मंथ और डेट बेस्ड पजल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है LIC असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों 2 से 2.5 मिनट के अंदर इस वीडियो को पॉज करके इस पजल को बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पजल को बहुत ही आसानी से बना लिया होगा। तो चलिए दोस्तों पजल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ 8 पर्सन दे रखे हैं। 8 फ्रेंड्स PQRSWXYZ गो फॉर वैकेशन टू मनाली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दोस्तों मार्च और अप्रैल के अंदर 8 फ्रेंड्स वैकेशन के लिए जाते हैं मनाली के, तो मनाली जाते हैं। इन ईच मंथ ईच ऑफ देम गोज ऑन डेट 4, 6, 8 and 10। दोस्तों चार डेट दे रखी है अपन को 4, 6, 8 and 10 गिवन मंथ। ठीक है दोस्तों एक मंथ के अंदर चार डेट है। नॉट मोर देन फोर फ्रेंड्स गो फॉर वैकेशन इन द सेम मंथ। दोस्तों चार से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं जाते हैं एक मंथ के अंदर वैकेशन के लिए मनाली। नो 2 पर्सन गो फॉर वैकेशन ऑन सेम डेट। दोस्तों सेम डेट को 2 पर्सन नहीं जाते हैं मनाली के लिए वैकेशन में। तो दोस्तों क्या कह रहा आगे हम इस कंडीशन को आगे कंडीशन को नोट करके चलेंगे। थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों आप दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है आपको। तो हमने यहाँ कंडीशन पहले से ही ले लिया। ठीक है दोस्तों मार्च के 4 डेट्स ले लिए 4, 6, 8 and 10। उसके आगे लिख दिया है मार्च। ठीक है दोस्तों और अप्रैल के 4, 6, 8 और 10 चार डेट ले लिए हमने और अप्रैल उसके आगे अप्रैल लिख लिया। ठीक है दोस्तों यहाँ दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों आगे क्या कह रहा है। दोस्तों हमें कंडीशन को नोट करना है। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है। देयर आर 3 फ्रेंड्स गोज फॉर वैकेशन आफ्टर W। दोस्तों W के बाद ओनली 3 पर्सन जाते हैं। तो W के बाद तो 3 छोड़ के W हम बना लेते हैं 1, 2, 3 और W यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है दोस्तों W 4 तारीख को जाएगा। W हमने यहाँ लिख लिया, 1 W हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है तो 2 पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। X goes for vacation after Y। तो दोस्तों X Y के बाद जाता है तो हमने इसको ऐसे करके यहाँ S कंडीशन को ऐसे नोट कर लिया। अब आगे क्या कर रहे दोस्तों। S does not go for vacation on 8th of any of the given month। दोस्तों 8 तारीख को S जो है वो नहीं जाता है किसी भी मंथ की। तो अप्रैल और मार्च और अप्रैल की 8 तारीख के अंदर S को हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों S को हमने क्रॉस कर दिया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों। देयर आर 2 फ्रेंड्स गोस फॉर वैकेशन बिटवीन W एंड R। दोस्तों W और R के बीच 2 पर्सन 2 फ्रेंड्स जाते हैं मनाली। ठीक है आगे क्या कह रहा है। ओनली 1 फ्रेंड गोज फॉर वैकेशन बिटवीन R एंड P। R और P के बीच में 1 फ्रेंड जाता है। ठीक है दोस्तों R और P कर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों आगे क्या कह रहा है। मोर देन 3 फ्रेंड्स गो फॉर वैकेशन बिटवीन R एंड Z। R और Z के बीच 3+ फ्रेंड्स जाते हैं। तो R और 3+ करके इसको Z बना दीजिए। ठीक है दोस्तों 4 कंडीशन हमने ये लिख ली। आइए क्या कह रहा है। देयर आर 2 फ्रेंड्स गो फॉर वैकेशन बिटवीन Z एंड Q। तो दोस्तों Z और Q के बीच 2 पर्सन जाते हैं। ठीक है दोस्तों हमने ये नोट कर लिया। आइए क्या अब देखो दोस्तों हमें 2 कंडीशन लेके चलनी है। अब पॉसिबिलिटी में हम इस कंडीशन को सेट करते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है अब क्या करना है। W से अब इसको पॉसिबिलिटी सेट करते हैं। W से दो फ्रेंड्स छोड़ के R है। तो W से 2 फ्रेंड्स छोड़ के एक तो नीचे आ सकता है दोस्तों R इस कंडीशन में। एक बार ऊपर ले लेते हैं W से 1, 2 छोड़ के R। ठीक है दोस्तों आगे क्या कह रहा है। R से 1 पर्सन छोड़ के P होना चाहिए। R से 1 पर्सन छोड़ के P, तो R से नीचे तो हो नहीं सकता P। 1 पर्सन छोड़ के P यहां आ जाएगा। अब R से 1 पर्सन छोड़ के ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि दोस्तों ऊपर जगह खाली नहीं है हमारे पास। तो 1 पर्सन छोड़ के P यहाँ होगा। ठीक है अब दोस्तों क्या करना है। हमें इन दोनों कंडीशन को मर्ज करना होगा। दोस्तों ये दोनों कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब इन दोनों कंडीशन को हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज कैसे करेंगे दोस्तों। R से 3+ होने चाहिए दोस्तों जेड R और जेड के बीच में। तो R और Z के बीच में 3+। तो दोस्तों एक बार R यहाँ R देखो दोस्तों R से 1, 2, 3 तो यहाँ Z आ नहीं सकता क्योंकि 3 पर्सन 3 से अपन को ज्यादा चाहिए।
एक बार जेड यहां रख के देखो, जेड यहां रखो दोस्तों, जेड यहां रखा हमने। अब दोस्तों क्या कह रहा है, जेड से दो छोड़ के क्यों होना चाहिए दोस्तों, जेड से दो छोड़ के जेड यहां रखा, जेड से एक छोड़ के दो छोड़ के क्यों आ नहीं सकता दोस्तों। तो जेड हम, जेड हमारा यहां था, एक दो, एक छोड़ के दो छोड़ के क्यों आ नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, अब दोस्तों जेड हमने एक बार यहां रखा था, अब एक बार दोस्तों यहां रखो, तो जेड से दो छोड़ के क्यों होना चाहिए, तो ऊपर हो नहीं सकता दो छोड़ के क्यों, तो एक और दो छोड़ के क्यों यहां भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ये जेड टॉप पे आना चाहिए और उससे 2% छोड़ के क्यों होने चाहिए, 1 और 2 छोड़ के क्यों, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है, एस एस की कंडीशन देखो दोस्तों, एस 8 पे नहीं आ सकता, तो एस यहां नहीं आ सकता और एस यहां नहीं आ सकता, तो एस के लिए सिर्फ एक जगह बच रही है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से वाई के नीचे एक्स होना चाहिए, तो वाई ऊपर आ जाएगा, वाई के लिए हमारी एक जगह बची है ऊपर और एक्स के लिए बची, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी बन गई और ये हमारी पजल भी बन गई। अब दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी गलत कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। अब दोस्तों देखिए, आर आर से 3+% छोड़ के जेड होना चाहिए, तो आर से 1, 2, 3, तो यहां अगर जेड को रखेंगे तो ओनली 3% रहेंगे, तो 3+ चाहिए अपन को, तो यहां जेड रखिए। एक बार जेड रखा, जैसे हमने जेड रखा, तो जेड से 2% छोड़ के क्यू होना चाहिए, तो मान लो यहां जेड रखा हमने, जेड से 2% छोड़ के क्यू, तो 1 1 एंड 2, तो क्यू यहां आ नहीं सकता, क्यों यहां पहले से ही पी है, तो ये यहां हम जेड को रख नहीं सकते। अब दोस्तों जेड को यहां रखिए, एक बार जेड को यहां रखा हमने, तो 1 एंड 2 छोड़ के क्यू होना चाहिए, जेड सबसे नीचे है, तो 1 एंड 2 छोड़ के क्यू यहां आ नहीं सकता, क्यों यहां पहले से डब्ल्यू है, तो दोस्तों ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी चेक करते हैं मर्ज करके कंडीशंस को। तो दोस्तों उम्मीद है आपने ये पजल को बना लिया होगा 2 से 2.5 मिनट के अंदर, बहुत ही इजी पजल था, एक ही कंडीशन में हमारी बन चुकी थी। तो उम्मीद है आपको ये पजल पसंद आई होगी दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम्स के ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।